अच्छा जी, ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस समय हमें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाना है और देखते हैं कि इस वक्त कहां पे मौजूद है और हमें किस चीज से इंट्रोड्यूस कर रही है। ओवर टू यू। जी फारू, हम कुनाल के तस्ते में हैं और आइए आपको लेकर चलते हैं कुनाल आइलैंड। कोलान थाईलैंड के शहर पताया के करीब मौजूद तमाम आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है। ये पताया से 8 नॉटिकल माइल्स दूर है और पताया से यहाँ शिप के जरिए पहुँचने में तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं। इट इज अ हिली आइलैंड जो कि लो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भरा हुआ है। कोनाल आइलैंड यूरोपियन टूरिस्ट का फेवरेट आइलैंड है। कोलान आइलैंड पर बहुत से हट्स हैं जहां टूरिस्ट आकर रहते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। अगर आप इस समर्स हॉलीडेज के लिए फार ईस्ट का प्लान बना रहे हैं तो डोंट एवर मिस कोलान आइलैंड इन थाईलैंड। जी फारूक, हम इस वक्त थाईलैंड के खूबसूरत आइलैंड कोनाल में हैं और हम आपको दिखाएंगे एक खास चीज और आपको बताना होगा ये क्या है। जी जनाब, ये तस्वीर आपने देखी और एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए ओवर टू सखावत। जी सखावत, क्या है ये? ये तो मैं बता दूंगा कि ये क्या है। पहले मुझे ये बताएं, ये जो बाजी उतर गई इसको डर नहीं लगता? किस बात से? वो कितने गहरे पानी में कल्ली फिर रही है यार। कश्ती में थी यार वो? मुझे कश्ती नहीं नजर आई बस। अच्छा, मुझे देख रहा कि पानी के ऊपर ऊपर बाजी जा रही है, अच्छी बात नहीं है यार। अच्छा, ये जो तस्वीर है इसका पानी से कोई ताल्लुक नहीं, बताओ। ये ऑपरेशन वाली लाइट है। ये ऑपरेशन हो रहा है किसी का? जब किसी का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर के तो पकड़ के इधर करो और टांका पुठा हो गई। अच्छा, ये वो है, ठीक है, ओके। रफाकत भाई, मुझे लगता है ये कोई काइट है जो उड़ाई जाती है। काइट है, समथिंग लगता है। अच्छा, उड़ने वाली कोई चीज है? उड़ने वाली चीज है। जी फजर, ये है क्या? ये है क्या? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ये क्या है, ये बताइए। मैं तो मैंने बताया ना, ये क्या है? क्या है वैसे? ए ना, असल च कैप है भाई। अच्छा, सिर ते लैन वास्ते। अच्छा, ते विच लाइट लाई है के जुआ नु रोशनी मिले। अच्छा, ताकि उन्हें पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अब ये अंडर वाटर है। अच्छा, और ये कोई चीज उसमें फ्लेम वाली पानी के अंदर, इनका ट्रेडिशन है आई गेस। दिन रात ये गेसेस यहाँ पे जारी रहेंगे, लेकिन जानते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। ओवर टू यू स्पीकर। जी, इस चीज का नाम एयर लैंटर्न है और ये एक कागज का बना हुआ बलून होता है। इसके नीचे आग लगाकर इसको हवा में छोड़ दिया जाता है और यहाँ के लोग इसको बहुत सीक्रेट समझते हैं। इस चीज का नाम एयर लैंटर्न है। ये कागज का बना हुआ बलून है। इसके नीचे आग लगाकर इसको हवा में छोड़ दिया जाता है और यहाँ के लोग इसको बहुत सीक्रेट समझते हैं। खास त्योहारों पर यहाँ के लोग इसको हवा में छोड़ देते हैं, जैसे कि क्रिसमस, न्यू ईयर ईव वगैरह। रवागत भाई, आपका अपना फेवरेट सिंगर कौन है? ये पनाह है, जिनमें मेहंदी हसन साहब हैं, मैडम नूरजहां हैं, लता जी हैं, रफी हैं, किशोर कुमार का मैं बहुत बड़ा फैन। ओके, मेरे फादर नज़ाकत अली सलामत अली चचा जो हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, नेमिट, जितने भी अच्छा गाने वाले जो सही सुर लगाता है, तो मैं उसका फैन हूँ। अगर मैं सही ना गाऊं तो मैं खुद का फैन नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात जरूर व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने हमारे अक्रॉस द बॉर्डर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक ट्रैक के लिए इनको बुलाया वहाँ पे, और वो एक नॉमिनल सा हिस्सा था उस फिल्म का, जो वो फिल्म वो बना रहे थे डायरेक्टर। और वो जब ट्रैक इन्होंने गाया, वो ट्रैक उस फिल्म का मेन टाइटल सॉन्ग बन गया। और मैं चाहूँगा रफाकत भाई से रिक्वेस्ट करूँगा आपके बिहाफ पे कि वो ट्रैक ज़रा हमें थोड़ा सा सुनाए। वो इस तरह था कि ख्वाजा फरीद की बाणी है, उसमें मैं लफ्ज डाल रहा था, मैंडे से मेरा कर रहा था। उसमें इस तरह था, मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू,
मेरा जिस्म भी तू है, मेरी रूह भी तू, मेरी दिलड़ी भी तू, जिंद जान भी तू, हो मेरे मौला मौला मौला, हो हो मेरे मौला मौला, मेरे कंगन में तू, मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू, मेरे सावन में तू, मेरे पल्लू में तू, मेरे चिलमन में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आंखों में तू, हो मेरे अल्लाह मौला मौला, हो हो मेरे मौला मौला, धीम का ना 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 धेरे रे ना ना ना, धीम का ना 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 ना, धीम का ना 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 धेरे रे ना ना ना, धीम का ना 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 ना, धीम 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 धीम का ना 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 धेरे रे ना ना ना, धीम मौला मौला और एक कलाम ऐसा है कि सुन के कुर्सी गाने नहीं दे रही इस रसल में बड़े दिल से निकला क्या बात, क्या बात। भाई अनबिलीवेबल ऑनेस्टली माशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी दे और इसी तरह आप अच्छे से अच्छे गीत जो है वो सामने लाते रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वो तो अपने दांत ही नहीं दी, मैंने पूछ लिया था क्या चीज, वो जो मैंने गाइड को पूछा था, नहीं वो दाद आपको दी आपको, मैंने उससे कहा कि यू आर द ओनली वन जिसने सही कहा था। बट एनीवेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच आप आए। और फजर ऑल द बेस्ट टू यू, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, थैंक यू, और इंशाल्लाह ताला आपने बड़ा अच्छा लगा, बहुत सा काम करना, बड़े दिनों से इंतजार में था कि इस तरह के लोग मिले, हमारी ख्वाहिश भी पूरी हुई, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगे और दो चार इधर से भी लगे तो माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम, चांदों की बात हो रही है, 14 चांद का होगा 6 दिनों रात, एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फारूक हसन और सखावत को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।